दोस्तों, ड्रामा सी कुमार की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जब वो यहाँ पर माँ आती और आकर जब बात करती फैज़ के साथ, उससे कहती कि देखो बेटा, आपकी अपनी मर्जी है, आपको भी जो है वो अपनी बहन के बारे में भी सोचना चाहिए, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। आप ज़्यादातर वक्त जो है वो अपनी बेगम के साथ गुजारते हैं। ऐसे बातें फैज़ सुनता है, अपना सर नीचे कर लेते और कहते कि माँ जी, इस बात का मुझे पता है, मैं अपनी बहन के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मैं सोच कर क्या करूँगा, क्योंकि मेरी बहन ने जो है वो मर्जी का फैसला करना है, जब उसका जो दिल करेगा वही करेगी। बहरहाल, अगर आप कहती हैं तो मैं उसके साथ इस मौजू पर डिस्कस कर भी लेता हूँ, उसके साथ बात कर लेता हूँ, लेकिन उसने जो है वो करना वही है जो उसका दिल करेगा। तो आगे से माँ कहती है कि वो बातें सारी ठीक है, मैं इस बात को समझती हूँ, जानती हूँ, लेकिन आप इस दफ़ा उसके साथ एक दफ़ा बात तो करें ना, उसके साथ एक दफ़ा मस्त बैठ कर करें कि आखिरकार वो चाहती क्या है, उसके दिमाग के अंदर क्या बातें चल रही हैं, ताकि आप लोग फिर इस मसले को हल निकाल लें। मैं अब चाहती हूँ कि मेरी जो बेटी की शादी है वो उसके मेरे बेटे की मर्जी के मुताबिक हो, जैसा आप चाहते हैं वैसा हो, लेकिन आपको थोड़ा सा जो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा और अपनी जो वो बहन के साथ थोड़ा सा टच रहना पड़ेगा ताकि आप फोकस कर सकें। तो यहाँ पर फैज़ कहते हैं कि ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, आपको पहले भी मैंने सब कुछ कहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपके साथ मैं कोई डिस्कस नहीं कर सकता, ना कोई ऐसी बात कर सकता हूँ। अगर उसने इनकार कर दिया तो मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी तरफ आप लोगों को जो इंटरेस्टिंग और कमाल का जो वो सीन देखने को मिलेगा कि आखिरकार जो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं रूफ़ी, तो फौरन जो वो हरी में से पास जाती और जाकर बात करती और कहती कि देखो, आप इस तरह परेशान रहेंगे तो और भी ज़्यादा परेशानी बढ़ेगी, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा, लेकिन प्लीज़ अपने आप को जो रिलैक्स करें, मैं पैसों का इंतजाम कर लूँगी। रूफ़ी ये बातें सुन इनकार करते, तो उससे कहते हैं कि वो बातें सारी ठीक हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको परेशानी हो, मेरी वजह से आपकी जो परेशानी बढ़े मज़ीद। तो हरीम कहती है कि कोई बात भी नहीं, फैज़ में साथ देने के लिए तैयार है, आप इस बात की टेंशन ना लें, फैज़ बहुत ही अच्छा और हर सूरत में साथ देगा और वो ऐसी कोई बात नहीं करेगा। रूफ़ी कहता है कि वो तो अच्छा है, वो तो कोई बात नहीं करेगा, लेकिन उसके साथ वाले क्या बात नहीं करेंगे, क्या उसकी बहन, उसकी माँ, उनको तो मैं जानता हूँ ना वो किस किस्म के हैं, इसलिए मैं आपको जो है वो बार बार रोकने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये सब कुछ ना करें, बस देख जो कुछ भी हो जाए वो हमारे साथ होगा। हरीम इनकार करते उससे कहती कि नहीं, दोबारा आपने ऐसी बात नहीं करनी, मैं आपकी अपनी और मैं हर सूरत में आपकी सपोर्ट करूंगा और इस मुश्किल से आप लोगों को निकालूंगी, आपको चाहे वो अकेला नहीं छोड़ूंगी।